चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रोहतक में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिला परिषद चुनाव नतीजों पर बयान देते हुए कहा कि चुनाव में जनता ने एक बार फिर से बीजेपी जेजेपी को आईना दिखाने का काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी को कुल 5% वोट मिले हैं। और वहीं गुजरात चुनाव पर बोलते हुए कहा कि केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। और वहीं धरने पर बैठे MBBS छात्रों के पक्ष में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को अड़ियल रवैया छोड़कर पॉलिसी को वापस लेना चाहिए। भाजपा के नेता ये क्यों नहीं रिक्वेस्ट करे अपनी सरकार को ये गलत नीति को वापस ले? आप क्या कहेंगे सर? मैं तो कहूंगा तुरंत वापस कर देना चाहिए, ताकि अगर सरकार की भी जिम्मेवारी है मरीज को कोई तकलीफ होती है, क्यों फिर ये अड़ियल रखा है? अड़ियल रवैया अच्छा नहीं होता किसी चीज के लिए। पॉलिसी वापस होनी चाहिए तुरंत। तो आज से थोड़ा ही है जब से सरकार आई है, खाद थानों में बंटवाया इन्होंने, थानों में बंटवाया है। खाद का सिस्टम है, खाद को पहले पैसा जमा कराना पड़ता है, पहले मंगाना पड़ता है। लेकिन ये सरकार किसानों की तो बात छोड़ो, किसी के भी जितने फैसले लिए हैं किसी के हित में कोई फैसला नहीं किया। ये तो क्योंकि नीतिगत तो है नहीं, ये गठबंधन की सरकार है, अपने अपने उसमें लगे हुए हैं।